सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज, बोले कांग्रेस का पंजा सरकारी पैसे खा जाता, भाजपा इनकी ऐसी बीमारियों का परमानेंट इलाज करने आई है। हुबली में सोनिया गांधी की रैली, बोली बीजेपी डकैती डालकर सत्ता हथियाने वाली पार्टी है, इन्हें लोकतंत्र की परवाह नहीं। अमित शाह का कांग्रेस पर वार, बोले पीएफआई के एजेंडे पर चलती है कांग्रेस, बेलगावी सभा में कहा कर्नाटक में जब भी कांग्रेस आई है। आगे चलते सीएम की ऑल पार्टी मीटिंग स्थगित कर दी गई है, सामान्य करने के लिए काम करने को कहा, अब तक 54 लोगों की मौत हुई। रैली में बोले सीएम शर्मा, चार शादियों की व्यवस्था रोकने के लिए समान नागरिक संहिता जरूरी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले को मिली जमानत, चंदे की रकम के दुरुपयोग का है आरोप। असम में परिसीमन के खिलाफ कांग्रेस समेत 11 विपक्षी दलों ने सीईओ को सौंपा ज्ञापन, कहा मुद्दों का नहीं हुआ समाधान। राष्ट्रपति के भाषण के दौरान 9 मिनट बत्ती गुल, मुर्मू बोली बिजली हमारे साथ लुका छिपी खेल रही है, ओडिशा के मयूरभंज की घटना है। ठग शुकेश, बोला केजरीवाल के घर फर्नीचर मैंने भेजा, एलजी को भेजी गई नई चिट्ठी में लिखा घर के रिनोवेशन के लिए पैसे भी दिए। पशु तस्करी मामला, 77 करोड़ के संपत्ति के मालिक है अनुव्रत मंडल, ड्राइवर और नौकर के नाम से भी खरीदी जमीन। चक्रवात के पूर्वानुमान के बीच ओडिशा सरकार का फरमान, हर स्थिति के लिए तैयार हैं सभी जिले। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, बोले लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जज बोलते वक्त ध्यान रखें कहां सोशल मीडिया पर जजों के फनी कमेंट वायरल होते हैं। मोचा तूफान आज से हो सकता है एक्टिव, ओडिशा बंगाल समेत 3 राज्यों में अलर्ट, 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल में बिना अनुमति आए राहुल, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा दौरे से स्टूडेंट परेशान हुए, उन्हें खाना नहीं मिला। मणिपुर हिंसा में अब तक 54 लोगों की मौत है, 1100 लोगों ने असम में शरण ली, हालात स्थिर, आरएफएफ ने फ्लैग मार्च निकाला है। कांग्रेस पर भड़के सीएम योगी, कहा बजरंग दल पर प्रतिबंध का प्रस्ताव हिंदू आस्था का मजाक बनाने की कोशिश। स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान, बोले चैन से सोइए और मजे से खाइए, बाकी सब मोदी योगी पर छोड़ दीजिए। मुख्तार अंसारी का करीबी जगनू पंजाब से गिरफ्तार हुआ, डीजीपी के ट्वीट के बाद हुई पुष्टि, ट्रांजिट रिमांड पर लेगी पुलिस। वेस्ट यूपी में एटीएस की छापेमारी, बुलंदशहर में सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष समेत 2 को मेरठ से हिरासत में लिया।
मेरठ में कांग्रेस प्रत्याशी के पति का निराला अंदाज, ई रिक्शा में बैठकर रोटी खाते हुए लोगों से मांगा समर्थन, कहा जमीन से जुड़े आदमी हैं। प्रयागराज में गर्भवती महिला से लूटपाट और अभद्रता, कार सवार बदमाशों ने देर रात की घटना, ई रिक्शा रुका कर छीना पर्स। एनआईटी मणिपुर में फंसे हैं यूपी के 80 स्टूडेंट, तेलंगाना उड़ीसा ने किया छात्रों का रेस्क्यू, फोन पर कहा हम खिलाड़ियां, हम खिड़कियां और लाइट बंद करके कैद हैं। भाजपा के जिला संयोजक ने काटी दोनों हाथ की नस, व्हाट्सएप ग्रुप में सुसाइड नोट शेयर कर लिखा, इसका जिम्मेदार सिर्फ गोपी कृष्ण शुक्ला है। सीतापुर में ऑनर किलिंग, चाचा ने भतीजे को काट डाला, गैर बिरादरी के शादीशुदा युवक से भगाकर रचाई शादी। चालीस बारातियों से भारी बस सड़क पर किनारे पलट गई, हादसे में 5 की मौत, 15 दिन से अधिक घायल, दो भाइयों की एक ही घर में थी शादी। मैनपुरी की गालीबाग जेल सुप्रिटेंडेंट का वीडियो वायरल, कोमल मंगलानी बोली गाली देने का मन करता है तुम लोगों को। जागृति बिहार एक्सटेंशन में सुरक्षा दस्ता तैनात, मेरठ में अधीक्षण अभियंता ने शिकायत पर लिया एक्शन, प्रवर्तन दल ने संभाला मोर्चा। कानपुर नगर आयुक्त कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में रखे गए, संपर्क में आए स्टाफ और लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। तापमान बढ़ते ही वायरल ने पकड़ी रफ्तार, कानपुर के अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की कतारें। यूपी में पीएफआई के खिलाफ एटीएस की रेड, 5 जिलों से 13 लोगों को उठाया, मेरठ में पत्नी का इलाज कराने आए सपा नेता को पकड़ा। बच्चे की निरीक्षण हत्या में अभियुक्त को उम्र कैद, 2019 में ट्यूशन जाते हुए अपहरण कर गला दबाकर हत्या की थी। शेरपुरिया के साथ दिल्ली और नोएडा ठिकानों पर छापेमारी, ईडी ने भी की पूछताछ, कंपनी में डायरेक्टर पत्नी भी बनी है आरोपी। मेरठ में कैंसिल हुआ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रोग्राम, 7 मई को व्यापारी मतदाता सम्मेलन में करना था संबोधित। आजमगढ़ में सपा नगर पालिका प्रत्याशी बोले मैं कोई बेरोजगार नहीं, आई एम 100% बीजी पर्सन। बरेली में पार्षद प्रत्याशी का बेटा गिरफ्तार, चुनाव में वोटरों को बांट रहा था शराब, वार्ड 25 से चुनाव लड़ रही है ममता। मुरादाबाद में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार दोस्तों को रौंदा, हाईवे पर दो युवकों की दर्दनाक मौत, 5 दिन पहले ही एक युवक की हुई थी शादी। मुरादाबाद में ट्रक ने युवक को 100 मीटर घसीटा, करनपुर रोड पर युवक की दर्दनाक मौत, टायर के नीचे आने से सिर के चीथड़ उड़े। इटावा में भाजपा ने दो बागियों को किया निष्कासित, जिलाध्यक्ष बोले नगर निकाय चुनाव में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार ने किया नामांकन। मोहम्मदाबाद गोहना में विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, कमरे में लटकता मिला शव, पिता ने ससुराली जनों पर लगाया हत्या का आरोप। दी केरल स्टोरी मूवी पर केशव मौर्य का बयान, जब विपक्षी दल बिल बिनाने लगे तो समझिए कुछ अच्छा हो रहा है, धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं।
मैनपुरी में किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, बहला फुसला कर ले गया था अपने साथ, जान से मारने की धमकी देकर हुआ था फरार। फरीदपुर में नहर किनारे मिला ढेर का शव, चार दिन पहले बिना बताए घर से निकला था, शराब का आदि था। अमरोहा में दूल्हे ने फांसी लगा कर दी जान, खेत में लटकता मिला शव, विदाई वाली रात पत्नी से बोला पानी पीने जा रहा हूं, फिर नहीं आया। आगरा में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, पत्नी से विवाद के बाद उठाया आत्मघाती कदम, दो साल पहले हुई थी शादी। हाथरस में शिक्षक ने छात्रों से मंगाई मिट्टी, कड़ी धूप में पांच बच्चे 3 किलोमीटर दूर से लाए, बीसीएस ने जांच के आदेश दिए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर सीएम धामी ने किया नमन, कहा साहित्य और संगीत के क्षेत्र में दिया गया आपका अभूतपूर्व योगदान अविस्मरणीय है। सीएम धामी से मिले केदारनाथ, बद्रीनाथ रिव डेवलपमेंट वर्कर्स भास्कर खुलबे केदार एवं बद्रीनाथ में संचालित विकास कार्यों के संबंध में की चर्चा। नई खेल नीति को लेकर सीएम धामी का सख्त, खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की दिशा में तेजी से कार्य करने का दिया निर्देश। शिक्षा को लेकर उत्तराखंड सरकार सख्त, शिक्षा कौशल विकास एवं खेल विभाग की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुआ तुंगनाथ मंदिर, एशिया में समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित है शिवालय। स्कूलों में छात्रों को मिलेगी द्विभाषी किताबें, सीएम ने कहा बच्चों के लिए पढ़ाई करना होगा आसान। उत्तराखंड में परफॉर्मेंस के आधार पर होंगे नौकरशाहों के तबादले, सीएम ने मांगा फीडबैक, दूसरे पखवाड़े में फेरबदल। उत्तराखंड में राहुल गांधी पर मानहानि मामले में शिकायतकर्ता के बयान किए गए दर्ज, अब 20 मई को होगी सुनवाई। उत्तराखंड में भीड़ बढ़ने पर श्रद्धालुओं ने सभा मंडप से किए बाबा के दर्शन, बीकेटी से समय 2 घंटे बढ़ाया गया। बद्रीनाथ धाम में शुरू हुई बर्फबारी, बद्रीनाथ धाम में दर्शनों के लिए आने वाले यात्रियों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। चिनूक हेलीकॉप्टर से धाम पहुंचाई जाएगी भारी मशीनरी, उड़ान के दौरान नहीं होगा हेली सेवा का संचालन। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी विरोध के बीच हटाई मजार, छतों पर चढ़े लोगों को पुलिस ने नीचे उतारा, छावनी में बदला इलाका। उत्तराखंड में फिर जगी गुरुद्वारा, ज्ञान गोदड़ी के लिए जमीन की आज सीएम ने बुलाई बैठक, आवंटन को लेकर होगी चर्चा। उत्तराखंड में सिया गांव में डायरिया कहर, एक बच्ची की मौत, 7 लोग अस्पताल में भर्ती, चपेट में कई परिवार। कर्नाटक चुनाव के बाद बढ़ सकते हैं धामी सरकार में दायित्व, मंत्रिमंडल का विस्तार भी प्रस्तावित। अमेरिका के टेक्सास में शूटिंग, 8 की मौत, मरने वाले में बच्चे भी, शूटर ने मॉल में अंधाधुंध गोलियां चलाई, पुलिस ने मार गिराया।
पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पचवड़ की हत्या, बाइक सवारों ने सोसाइटी में घुसकर मारी गोलियां। अफ्रीकी देश कांगो में बाढ़ भूस्खलन, 176 की मौत, एक ही परिवार के 11 बच्चों की मौत, कई लोग मलबे में दबे, स्कूल अस्पताल बह गए। रेप केस में ट्रंप की गवाही का वीडियो रिलीज, पूर्व राष्ट्रपति बोले स्टार बिना इजाजत महिलाओं को छेड़ते हैं, सालों से ऐसा हो रहा है। तेईस वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई मिस यूनिवर्स फाइनलिस्ट की मौत, घुड़सवारी के दौरान हुई थी घायल। पीछे हटे बखमुत में रूसी सेना का नेतृत्व कर रहे वैगनर चीफ योगनी प्रिगोजिन रमजान कादिरोव को जिम्मेदारी देने को कहा। अफगानिस्तान के पूर्वी नगर से भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से 4 लोगों की मौत, 25 अन्य घायल। रूस और यूक्रेन के बीच मॉस्को में एक कार बम विस्फोट में पुतिन समर्थक लेखक जाखर प्रिलेपिन घायल, चालक की मौत। पाकिस्तान में सीजेपी के सेना निवृत्ति के बाद चुनाव में जाएगा सत्तारूढ़ गठबंधन, इमरान के माने जाते हैं करीबी। कनाडा कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष कमलजीत कॉन्ग पर जानलेवा हमला, घर के बाहर बरसाई गई गोलियां। केंद्रीय कर्मचारियों को फिर मिल सकती है खुशखबरी, 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में हो सकती है 3 से 4% की बढ़ोतरी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चौथी तिमाही के नतीजे Q4 FY23 में नेट प्रॉफिट 93% बढ़कर 2782 करोड़ रहा। एप्पल सीईओ ने मीटिंग में 20 बार लिया इंडिया का नाम, टिम कुक ने कहा आईफोन बेचने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है भारत। स्कोडा कोडियाक 4x4 भारत में लॉन्च, डोर एयर प्रोटेक्टर जैसे सेफ्टी फीचर से लैस है एसयूवी, कीमत 37.99 लाख रुपए से शुरू हुई। रिलायंस के फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस के डिमर्जर को मंजूरी, नई कंपनी का नाम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज होगा। ₹3,500 कर्मचारियों को निकालेगी कॉन्गजेट कंपनी, खर्चे के उठाने के लिए अपने कुछ ऑफिस भी बंद करेगी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $4.5 अरब बढ़कर $588.78 अरब हुआ, 21 अप्रैल को समाप्त के दौरान फॉरेक्स रिजर्व में आई थी गिरावट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दक्षिण कोरियाई समक्ष की मुलाकात, भारत में निवेश के अवसरों पर व्यापक चर्चा। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने कहा उन पर लगे आरोप गंभीर। टाटा महिंद्रा और अमेजॉन समेत 22 कंपनियां पर पाएंगे आधार से सत्यापन, वित्त मंत्रालय ने दी मंजूरी। दिल्ली ने 100 गेंद में चेंज किया 182 का टारगेट, सॉल्ट ने खेली 45 बॉल पर 87 रन की पारी, कोहली के 7000 आईपीएल रन पूरे। ₹2025 में चैंपियंस ट्रॉफी खेले पाकिस्तान आए टीम इंडिया, पीसीबी ने कहा बीसीसीआई ने लिखित में गारंटी नहीं दी तो वर्ल्ड कप खेलने में भारत नहीं आएंगे।
अपने घर में मुंबई से 13 साल बाद जीती चेन्नई इंडियंस को 6 विकेट से हराए। दूसरे नंबर पर आईसीएस के कॉनवे ने खेली 44 रन की पारी। रोहित शर्मा ने 16वीं बार जीरो पर आउट। न्यू लुक में मैच देखने पहुंचे साउथ सुपरस्टार धनुष। धोनी को चेयर करती नजर आई बेटी जीवा। गांगुली विराट ने हाथ मिलाया पिच पर सिराज सॉल्ट भिड़े। कोहली ने बचपन के कोच के पैर छुए। दिल्ली बेंगलुरु मैच के मोमेंट्स हैं ये। नवन उल हक ने साधा निशाना, कहा लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जिसके वो योग्य हैं। मुश्किल में फंसी मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों को धोनी ने दिया ज्ञान, तस्वीर हुई वायरल। महेंद्र सिंह धोनी से खुद की तुलना कर बुरे फंसे रियान पराग। सोशल मीडिया पर फैंस ने लगा दी क्लास। टेबल टॉपर गुजरात को लगा तगड़ा झटका। आईपीएल 2023 के बीच में आयरलैंड के जोशुआ लिटिल ने छोड़ा साथ। लंबे समय बाद सौरव गांगुली ने थामा बल्ला, लगाए गगनचुंबी छक्के। शेन वॉटसन भी हुए हैरान। जिम के बाहर स्पॉट हुई जानवी कपूर, ओवरसाइज टी शर्ट और शॉर्ट्स में दिखी। फैंस के साथ क्लिक कराई फोटो। एयरपोर्ट पर दिखी नुसरत भरूचा, ग्रीन को और सेट के साथ लगाए पोलका डॉट फ्रेम वाले ग्लास। पेप्रोजी से बातचीत भी की। कंगना ने बिल्डिंग का मुआवजा लेने से किया इनकार, बोली टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं चाहिए, पहले 2 करोड़ का मांगा था हरजाना। एयरपोर्ट पर बच्चों के साथ दिखी जेनेलिया डिसूजा, रियान और राहिल ने हाथ जोड़कर पेप्रोजी को किया नमस्ते। मुंबई में स्पॉट हुई परिणीति चोपड़ा, पिंक ड्रेस के साथ स्टाइलिश व्हाइट शर्ट, मुस्कुराते हुए पेप्रोजी को दी पोज। सात सितंबर को रिलीज होगी जवान। शाहरुख खान गौरी ने शेयर की फिल्म के लिए नई रिलीज डेट। फिल्म में नयनतारा विजय भी दिखेंगे। मई को रिलीज होगा आदि पुरुष का ट्रेलर। न्यूयॉर्क में 13 जून को ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में होगा वर्ल्ड प्रीमियर। पति विघ्नेश संग मैच देखने पहुंची नयनतारा, चेन्नई का बढ़ाया हौसला। धोनी की एंट्री पर जमकर बजाई ताली। फेस मास्क को लेकर फिर ट्रोल हुए राज कुंद्रा, नेटिजंस बोले ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। सिद्धार्थ आनंद ने मैत्री प्रोडक्शन को लौटाए 65 करोड़ रुपए। प्रभास संग फिल्म पर फिलहाल के लिए रोक। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।